एक आमाइटी के साथ अपने मुहतरम मेहमान मुहतरम गुजारिश शहीद साहब से गुजारिश करूँगा जो हमारे ग्रीन क्रिएटिव ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका आज हमसे प्रोग्राम रखा है यहाँ पर। मैं उनसे मिला करके उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। मुहतरम गुजारिश शहीद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ग्रीन क्रिएटिव ट्रस्ट। जिसके मुताबिक आता है कि वो औसत से
फखर करते हैं एक वाले और एक उस्ताद का। उस्ताद का मुकाम भी जैसे कि मैंने आयत से जो पहले आपके सामने तिलावत की कि जो अल्लाह का वो किताब के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि मौलवी है उस्ताद। और अगर उस्ताद अपनी जिम्मेदारी और अपनी उस हैसियत को पहुंचाने पहचाने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियामत का काम करता है, वो तालीम पहुंचाने का काम करता है, ये इतना बुलंद काम है, इतना बाइज्जत काम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इसलिए इसके अंदर बुलंदी है काम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो काम किया और ये उस्ताद करता है, तो उस्ताद वो होता है कि जब उसका शागिर्द वो पढ़ाता है ना सारी जिंदगी, जब उसके शागिर्द निकलते हैं कोई नहीं पहुंच जाता है, कोई नहीं पहुंच जाता है, तो उस्ताद उस पर फख्र करता है कि मेरे शागिर्द है, वो उससे हसद नहीं करता, बुरा नहीं महसूस करता, बल्कि वो महसूस करता है कि मेरा शागिर्द यहाँ पहुंचा। और ये वालदैन का मामला नहीं होता कि वालदैन जो है उनके बच्चों से आगे निकल जाए कि ख्वाहिश होती है, जो मुझे नहीं मिल सकता वो मेरे बच्चों को मिल जाए, वो आसाइश उनको तकलीफ हो जाए, जो तालीम में हासिल नहीं कर सकता मेरे बच्चे हासिल कर सकते, ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सबसे अच्छा हो और उसके लिए हमें तालीम और तरबियत की तरफ आना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने पुराने करीम में ये बात फरमाई है, नेक बच्चे जब अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो कहते हैं कि रब्बना हसना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रत अय्युन वज़अलना लिल्मुत्तकीन इमाम। ये अल्लाह हमारी बीवियों को और हमारे बच्चों को हमारे आंखों की ठंडक बना दे और हम सब को हमें हमारी बीवियों बच्चों को मुत्तकियों का इमाम बना दे, नेक लोगों का इमाम बना दे। और मुत्तकी जो है जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में खुद उसके बारे में ये बात फरमाई है कि उनकी दुनिया भी अच्छी होती है, अल्लाह ताला उसको उनके लिए मुहैया करके उनकी आखिरत भी अच्छी होती है। वैसे लोग होते हैं जिससे भलाई की उम्मीद होती है, जिससे बुराई की उम्मीद नहीं होती, जिससे लोगों को खतरा नहीं होता बल्कि उनसे लोगों को अमन होता है, ऐसे लोग मुस्तकियों से मैं और आप इस बात को जानते हैं। ये बच्चे जो इस स्कूल में आते हैं चंद घंटों के लिए, चार और पाँच घंटों के लिए यहाँ पर फिलहाल होते हैं, स्कूल का मकसद ही यही है उनका बेहतरीन इस्तेमाल करें दुनिया को, तरबियत के बगैर ये तालीम अधूरी है। अगर इंसान के अंदर अखलाक ना हो, अखलाकी इकदार ना हो, अगर वो सच बोलने की अहमियत को ना समझता हो, अगर वो झूठ बोलने से नफरत ना कर सके, अगर वो हमारा तारीफ को अच्छा ना समझता हो और हमारा तारीफ ना करे, अगर वो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला ना बने, लोगों को खतरा नुकसान पहुंचाने वाला बने, तो फिर ऐसे इंसान का कोई फायदा नहीं कि वो सिर्फ तालीम हासिल कर ले और पढ़ना और लिखना सीख ले और उसके बाद माशरे के अंदर और मुल्क के अंदर अपने शहर में अपने मोहल्ले में अपने घर वालों के साथ वो खराबी करने का और बुरे आमाल करने का मौका बने। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि वालदैन यहाँ मौजूद हैं, हमारी उनसे ये गुजारिश भी है, यहाँ पर वालदैन भी मौजूद हैं, वालिद हज़रात भी और मेरी मुहतरम बहनें भी मौजूद हैं जो वालदा हैं अपने बच्चों की और यहाँ आई हैं, मेरी उन सबसे ये गुजारिश है कि ये एक ऐसा काम है जो स्कूल की इंतजामिया, स्कूल के असातिज़ा और आपने मिलकर करना है। हमारे बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ उनके कानों में क्या बातें पड़ती हैं और क्या नहीं पड़ती हैं और इस माशरे के और इन हालात के जो हमारे चारों तरफ है उनके ऊपर क्या असरात होते हैं। हम सबको मिलजुल कर ये कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे अच्छे माहौल के अंदर बड़े हों, जो स्कूल की इंतजामिया कोशिश करती है कि वो तालीम उन तक पहुँचे, वालदैन भी उसमें स्कूल की इंतजामिया के साथ मुलाकात भी करते रहें, मिलते रहें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल में अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की दिलचस्पी है। देखें जो चीज़ें हमारे पास होती हैं वो सब रह जाती हैं, अगर बच्चे अच्छे ना निकलें तो बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनत भी खत्म हो जाती है, वो भी नहीं चल सकती, कुछ नहीं चल सकता। अगर बच्चे के लिए आसूदगी का और दिल के सुकून का सबब ना हो और बच्चे अल्लाह ना करें गलत रास्ते पर चल निकलें तो सारी दुनिया की दौलत भी इंसान के पास हो वो बेचारी की जिंदगी गुजार सकता है, चैन से रजी नहीं हो सकता। इसलिए हम सबकी जो
जो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में दी है वो हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है कि हम उनको संवारने के लिए और उनके लिए अच्छा मुस्तकबिल पैदा करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। तालीम की अहमियत कितनी है, बाद आप महसूस करते हैं कि हालात हमारे पास ही कैसे हैं, माशरती हालात कैसे हैं, बड़े सख्त हालात हैं, किस तरह अपने बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें। लेकिन मैं सिर्फ एक वाकया बता के आपको अपनी बात समझ करता हूँ। जब जंगे बदल हुई तो 313 मुसलमान थे और 11 लोग उफा थे। सबको पता है, उलमा इसको बार बार बयान करते हैं, खुतबों में भी आपने सुना होगा, 70 लोग जो कुरैश के थे, जंग के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी और 70 लोगों के कैद हुए, और वो 70 के 70 वो लोग थे कुरैश के जो उनके सरदार थे। हज मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई, छोटा भाई जो निकाल रहा मक्के की सबसे अमीर खानदान का बेटा, एक तो सहाबी थे रबी करीम सल्लम के और एक जो है वो लड़ने आया था मक्के की तरफ से, पहले मक्का की तरफ से। वो गिरफ्तार हुआ, बड़े बड़े सरदार गिरफ्तार हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके साथ क्या किया। बात साफ मालूम है कि इस वक्त जंगे बदल के वक्त मुसलमानों के हालात क्या थे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि आले नबी ने, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने एक दिन भी उस वक्त तक पेट भर के खाना नहीं खाया। ये हालात मुसलमानों के हालात आपको बताएं क्या थे। जो 313 लोग थे, सिर्फ 2 घोड़े थे उनके पास जंग लड़ने के लिए, तलवारें भी नहीं, हाथों में लकड़ियां लेके गए थे बहुत सारे पत्थर से हाथों, गुरबत भाई हाथ पेट पर पत्थर लगे हुए थे, हाथ सुने नहीं वाक्य सारे। उलमा ने कितना कुछ बात कर, कितनी भूख थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सहाबा ने, कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि इसके बदले फिदिया हासिल करते हैं। ये बड़े मालदार घरों के लोग हैं, इससे कहते हैं कि तुम्हें जंग का तावान देना पड़ेगा, इतने पैसे लोगे तो तुम्हें छोड़ दें। उससे क्या होगा कि जो मदीने के गुरबा हैं उनकी जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी, कुछ सहूलत उन्हें हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला क्या किया, आपने कहा नहीं ये चीज अहम नहीं है। क्या चीज अहम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से तुम में से कौन कौन पढ़ना और लिखना जानता है। उन्होंने बताया हम पढ़ना और लिखना जानते हैं, तो आपने फरमाया कि तुम्हारा सवाल ये है कि जो तुम्हें से हमारे 10 लोगों को लिखना और पढ़ना सिखाए उसको अदा कर दे, ये सवाल है, और जितने जल्दी लिखना और पढ़ना मेरे लोगों को सिखा दे, जिसको मेरे लोगों को पढ़ना और लिखना नहीं आता उतने जल्दी उसे रिहा कर। लोगों ने पढ़ना और लिखना सिखाया उनको, आपको दर्शन रिहा कर। आप अंदाजा लगाएं कि भूख है लेकिन पैसा नहीं मांगा। आज हमारा क्या हाल है, हम सारी दुनिया के सामने भिखारियों की तरह पैसे मांगते थे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दफा भूख बर्दाश्त कर लो, तकलीफ बर्दाश्त कर लो, माल की कमी बर्दाश्त कर लो, लेकिन कौम के अंदर जिहालत ये बर्दाश्त कर, ये बर्दाश्त की। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये रास्ता दिखाया तालीम का और तरबियत का, तो फिर आपको पता है मुसलमानों को 1000 साल तक दुनिया के अंदर वो अजमत नसीब हुई कि कोई दूसरी कौम नहीं थी इनके सामने खड़े होने वाली। फिर के अंदर सबसे आगे मुसलमान, और अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जो आलम एजाज है साहिब एजाज, हर दौर में करता है तवाफ़ का जमाना। यानी बात क्या है कि जिसके पास इल्म होगा सारी दुनिया उसकी गिर होगी, जिसके पास इल्म होगा, अल्लाह ने यह उसूल बनाया, इल्म जो हासिल करेगा सारी दुनिया उसकी गिर होगी खुद पकड़ो। इसको अल्लाह ने ऐसा बरकत बनाया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा आलिम बनाया, सबसे बड़ा इल्म रखने वाला, इल्म सिखाने वाला बनाया। यही सिफत अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आपकी बार बार बयान की कि आप इल्म देते हैं लोगों को। तो मेरे भाइयों और अजीजों, ये जो काम इसका बेड़ा हमने उठाया है,
یہ آپ کو ساتھ ملائے بغیر ہو نہیں سکتا. جو کام اساتذہ کر رہے ہیں جب تک آپ اپنے بچوں میں دلچسپی نہیں لیں گے, ان کے ساتھ اساتذہ کے ساتھ مل کر تعاون کے ساتھ اس پورے اسکول کی اچھائی کے لیے, جو یہ آپ کے بچوں کی اچھائی کے لیے بنا ہے, ہم کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہے, کوئی پیسے کمانے والا ادارہ نہیں ہے, جو کہ اس اسکول سے پیسے کمانا چاہتا ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اس اسکول کے اندر زیادہ سے زیادہ بستی کے بچے ہوں, وہ علم حاصل کریں, تعلیم حاصل کریں, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس سے اچھا مستقبل ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. واپس اللہ تعالیٰ